नमस्कार दोस्तों, सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की पेंशन योजनाओं का संचालन हमेशा किया जाता है, जिसके माध्यम से सरकार देश के नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। यह पेंशन दिव्यांग नागरिक को, विधवा महिलाओं को एवं वृद्ध नागरिकों को दिया जाता है। दिव्यांग पेंशन योजना का शुभारंभ केंद्र सरकार द्वारा किया गया था। इस योजना के माध्यम से देश के दिव्यांग नागरिकों को प्रति माह पेंशन दिया जाता है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों अपना योगदान देती है। केंद्र सरकार 200 रुपये प्रति माह प्रति व्यक्ति को देती है, वहीं राज्य सरकार शेष राशि को देती है। और इस योजना के अंतर्गत पेंशन के रूप में कम से कम 400 रुपये मिलते हैं, वहीं पर कुछ राज्य सरकारें 500 रुपये भी प्रति माह दे रही है। यह राशि हर एक राज्य में अलग अलग है और इस योजना का एकमात्र उद्देश्य है कि आप सशक्त और आत्मनिर्भर बने। तो दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश यानी यूपी के हैं, तो आज हम आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में दिव्यांग पेंशन योजना के लिए आपको कैसे अप्लाई करना है और इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। पूरी जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि यह जानकारी सभी तक पहुंच पाए। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं, अगर आप दिव्यांग पेंशन योजना के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपकी कम से कम उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए और 59 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और आपकी डिसेबिलिटी कम से कम 40% होनी चाहिए, तभी आप इस योजना के पात्र होंगे और इस योजना के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन देने के समय आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने होंगे, जैसे आपको अपने बैंक का डिटेल अपडेट करना है यानी अकाउंट डिटेल अपडेट करना है, उसके साथ आपको इनकम सर्टिफिकेट यानी इनकम का डिटेल अपडेट करना है, आपको एक पासपोर्ट साइज का कलर फोटो अपलोड करना है, साथ ही साथ आपको बर्थ सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा और आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा। अगर यह सारे डॉक्यूमेंट्स आपके साथ अवेलेबल है, तो आप इस योजना के लिए तुरंत अप्लाई कर सकते हैं और अगले माह से आप पेंशन का लाभ उठा सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग के आधिकारिक वेबसाइट जो है sspy-up.gov.in, इस वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, उस लिंक पर क्लिक करके आप डायरेक्टली इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। इस वेबसाइट पर आने के बाद इसका होम पेज खुलेगा और यहाँ पर आपको ऑनलाइन आवेदन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुलेगा और यहाँ पर आपको मांगे जाने वाले डिटेल को फिल करना है। सबसे पहले आपको अपना डिस्ट्रिक्ट यानी जनपद सेलेक्ट करना है। अगर आपका घर गांव में है तो आपको ग्रामीण सेलेक्ट करना है, अगर शहर में है तो नगरीय सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपना तहसील सेलेक्ट करना है। तहसील सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना ब्लॉक सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको अपना ग्राम पंचायत सेलेक्ट करना है और लास्ट में आपको गांव सेलेक्ट करना है। गांव सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना नाम फिल करना है, उसके बाद आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है और यहां पर आपको अपने बर्थ डिटेल यानी डेट ऑफ बर्थ देना है। फिर आपको अपने फादर नेम देना है यानी पिताजी का नाम देना है। फिर आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, उसके बाद आपको अपना यहाँ पर मोबाइल नंबर फिल करना है, फिर आपको अपना मोबाइल नंबर पुनः फिल करना है यानी कन्फर्म करना है, फिर आपको अपना यहाँ पर पूरा एड्रेस फिल करना है। एड्रेस फिल करने के बाद आपको अपना बैंक सेलेक्ट करना है, फिर आपको ब्रांच का नाम सेलेक्ट करना है। ब्रांच का नाम सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर अपना खाता नंबर देना है, फिर खाता नंबर को कन्फर्म करना है, फिर आपका यह IFSC कोड होगा। अब यहाँ पर अपने आय का विवरण देना है, यहाँ पर आपको इनकम का एप्लीकेशन नंबर देना है, फिर यहाँ पर आपको इनकम सर्टिफिकेट नंबर देना है, उसके बाद आपको अपना दिव्यांगता का प्रकार सेलेक्ट करना है जो आपके साथ लागू हो, उसके बाद आपका अपना दिव्यांगता का परसेंटेज टाइप करना है, आपका डिसेबिलिटी कितना है वो आपको टाइप करने के बाद आपको अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का नंबर देना है और वह कब जारी हुआ था वो डिटेल आपको यहाँ पर फिल करना है। अगर आपके पास यूनिक दिव्यांग ID है तो अगर हाँ तो उसका डिटेल फिल करना है, अगर नहीं है तो आपको नहीं पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर पासपोर्ट साइज का फ़ोटो अपलोड करना है, फिर अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड करना है। वहीं अगर आप गांव से आते हैं तो आपको ग्राम सभा प्रपोजल अपलोड करना है और यहाँ पर आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अपलोड करना है।
सारे डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाने के बाद आपको एग्री करना है और यहाँ पर आपको कैप्चा फिल करना है, और कैप्चा फिल करने के बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद आपके सारे डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया जाएगा, और सारे डॉक्यूमेंट सही पाए जाने के बाद आपका एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगा और आपको अगले माह से पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और इस तरह आप उत्तर प्रदेश के निवासी है तो आप दिव्यांग सशक्तिकरण योजना का लाभ उठा सकते हैं और यह जानकारी ज़रूरतमंद लोगों तक भी पहुँचा सकते हैं। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएँ। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे वीडियो को शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।